प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति के लिए कि परमेश्वर ने हमें एक बार फिर से ये मौका दिया है कि हम प्रभु के चरणों में आ सके। आज थोड़ा सा लेट हो गए इसलिए क्योंकि परमेश्वर के कार्य के लिए निकले थे और आज हम अभी अजमेर शहर में हैं और अजमेर में रहते हुए जबकि हम कॉन्फ्रेंस में हैं रहे और उसके बाद हमें खुदा बाप ने एक बार फिर से ये मौका दिया कि हम प्रचार करने के लिए जा सकें, प्रभु की महिमा कर सकें। एक परिवार ने हमको इनवाइट किया था और उस इनविटेशन को में हम लोग प्रभु के वचन को लेके गए और रात्रि में उन्होंने हमें जब ये अवसर दिया शाम को, क्योंकि सुबह 8 बजे से लेके शाम को 5-6, 5:30 बजे तक एक हम उसमें थे कॉन्फ्रेंस में और उसके बाद अब हम किसी सेवकाई में गए, फिर प्रभु ने ये अवसर दिया कि उसकी महिमा कर सके। सो मैं थोड़ा सा आप लोगों से क्षमा चाहेंगे कि हम थोड़ा लेट हो गए, लेकिन प्रभु के वचन के लिए अब हम तैयार हैं और निकालेंगे मेरे साथ पढ़ने के लिए भजन संहिता 103। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है कि दाऊद कहते हैं हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह। किसको धन्य कह? यहोवा को धन्य कह। और जो कुछ मुझ में है, याले हालेलुया, वो कहता है जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। मेरे प्रियो, मेरे अजीजो, खुदा का वचन कहता है यहाँ पर परमेश्वर के प्रेम के बारे में हम सीखते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। किसके बारे में? परमेश्वर के प्रेम के बारे में। परमेश्वर का प्रेम हमें क्या सिखाता है? हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है। यहाँ दाऊद राजा कह रहे हैं कि हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मेरे अंदर है उसको उसके पवित्र नाम को। यानी किसका नाम है पवित्र? परमेश्वर का नाम पवित्र है। हालेलुया। किसका नाम है? परमेश्वर का नाम पवित्र है। उसको हमको क्या कहना? धन्य कहना। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मानक भाई, मैं आपका फोन इसलिए काट रहा था क्योंकि हम ऑनलाइन आने की तैयारी कर रहे थे। प्रेज द लॉर्ड। और मैंने अभी शुरू में बता दिया है कि मैं किस कारण से लेट हो पाया, क्योंकि हम अपने घर में नहीं है समय। हालेलुया। और दूसरा पद कहता है हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह। फिर दाऊद राजा कह रहे हैं हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और किसी उपकार को ना भूलना। प्रेज द लॉर्ड। मैं और आप परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करते मेरे प्रियो? क्या हम अपनी यात्रा को जब पूरी करके आते हैं तो क्या हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं? प्रेज द लॉर्ड। रोनी सिस्टर जय मसीह की। क्या मैं और आप जो हैं, क्या हम परमेश्वर को यहोवा को धन्य कहते हैं? और जो मेरे जीवन में उपकार हुए हैं, कौन से उपकार हुए? मुझे परमेश्वर ने एक अच्छा जीवन दिया है, हमें जीवित रखा, हमें परेशानियों से बचाया, अपने अनुग्रह में रखा। तो क्या हम उसका जो उसने उपकार किए हैं, यानी कि हमें जीवन दिया है, हमारे चारों तरफ जो आशीष हैं वो सब उसकी ओर से, क्या मैंने और आपने उसको धन्य कहा है? प्रेज द लॉर्ड। अगर नहीं कहा है तो मेरे प्रियो, मुझे और आपको परमेश्वर को धन्य कहना है। हालेलुया। और परमेश्वर ने हमें, परमेश्वर ने जो दिया है, परमेश्वर ने जो हमारे जीवन को आशीषित किया है, उसने जो उपकार मैंने मुझे उपकार जो हमने किए हैं मेरे प्रियो, वो उपकारों को मुझे और आपको क्या करना है? भूलना नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। मुझे जीवित आज रखा परमेश्वर ने, धन्यवाद हो प्रभु। तूने प्रभु हमें अपना स्वस्थ रखा, अच्छा जीवन दिया, परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। क्या मैं और आप धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का? नहीं मेरे प्रियो, हमारे अंदर यही तो दिक्कत है। हम चलते वक्त प्रार्थना करते हैं, लेकिन क्या मंजिल पर पहुंच करके, जहां मंजिल पर पहुंच के क्या हम धन्यवाद देते हैं उसको?
कि हम अपने घर में पहुंच गए या हम जिस जगह के लिए निकले थे उस जगह पहुंच गए, प्रेज द लॉर्ड। तो मुझे और आपको हमेशा परमेश्वर को धन्य कहना है, हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। और मेरे प्रियो, मैं धन्यवाद देता हूं कि आप में और आप में परमेश्वर के वचन की भूख है, हालेलुया। मुझे और आपको परमेश्वर की वचन की भूख है। आज भी हम कहीं प्रचार कर रहे थे और प्रचार किसी के घर गए थे और वहां प्रचार कर रहे थे अजमेर में ही, और अभी हम रास्ते में आने में जो हमारे को समय लगा मेरे प्रियो, इस कारण से हम थोड़ा लेट हो गए, लेकिन जो परमेश्वर से वाचा बांधी है वो परमेश्वर की वाचा को पूरे करना है। चाहे हम भले ही 10 मिनट लेट हो जाए, लेकिन प्रभु के वचन को प्रभु के दास और दासियों के साथ बांटना है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वो कहता है वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है। कौन करता है मेरे अधर्म को क्षमा? परमेश्वर है। वो मेरी गलतियों को, मेरे गुनाहों को, मेरे पापों को, आपके पापों को, आपके गुनाहों को क्या करता है? क्षमा करता है। आप किसी बाबा से कहें, किसी से कहें, कोई व्यक्ति आपके गुनाहों को माफ नहीं कर सकता। सिर्फ माफ करने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वो कहता है तेरा कोई भी अधर्म होगा तो वो उन अधर्मों को क्या करेगा? अधर्मा को वो क्षमा करता है। क्यों? चाहे क्यों ना तुम्हारे गुनाह किसके समान होंगे, लाल रंग के, अगवानी रंग के हों, तो भी परमेश्वर उसको क्या कर देगा? हिम के समान, हालेलुया, हमारा हिम के समान क्या कर देगा? साफ सुथरा कर देगा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु को आशीष दीजिए। परमेश्वर ने आपको जीवन दिया और जीवन में आप और मैं आगे बढ़ रहे हैं, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रेज द लॉर्ड। और वो कह रहा है और तेरे सब रोगों को, मेरे प्रियो, आज हम लोगों के पास जाते हैं, मेरे लिए ये कर दो, किसी बाबा के पास, किसी गंडे ताबीज वाले पास, डॉक्टरों के पास, लेकिन डॉक्टर के डॉक्टर प्रभु यीशु मसीह के पास जाते हैं क्या? नहीं जानते, नहीं जाते लोग। क्या परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं? वो कह रहा तेरे सारे रोगों को, चाहे कोई सा भी रोग क्यों ना हो, उस रोग को वो चंगा करने वाला, प्रेज द लॉर्ड, कोई से रोग क्यों ना हो, हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, कैसे भी रोग हो उनको क्या करेगा? वो चंगा कर देगा, प्रेज द लॉर्ड। ऐसा है मेरा और आपका यीशु मसीह, प्रेज द लॉर्ड। शीरिन सिस्टर, जय मसीह, कैसे भी रोग है उसको वो चंगा करने वाला, प्रेज द लॉर्ड। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है, हालेलुया। कौन बचाने वाला? प्रभु यीशु मसीह है बचाने वाला। कोई भी ऐसा नहीं है कि जो हमारे पापों से हमको बचा सके, प्रेज द लॉर्ड। वो क्या कह रहा है? वही तो तेरे प्राणों को नष्ट होने से बचाता है। अगर वो बचाना नहीं चाहता तो क्यों प्रभु यीशु मसीह एक मानव के रूप में, एक इंसान के रूप में इस दुनिया में आता? कभी नहीं आता मेरे प्रियो। उसे क्या चिंता थी कि वो हमारे पास आता, एक इंसान बन के आया और हमने जो गुनाह किए थे, हमने जो पाप किए थे, हमने जो मार खानी थी, जो कोड़े मुझे और आपको पड़ने थे, जो मेरे और आपको गुनाह, जो मेरे और आपके गुनाह थे, वो गुनाह किसने ले लिए? प्रेज द लॉर्ड। उसने अपने ऊपर सारे गुनाह लाद लिए, हालेलुया। कोई है ऐसा परमेश्वर? कोई है ऐसा? प्रेज द लॉर्ड। जी हां, प्रभु ही है जो कुछ है। वो कहता है वो मेरे प्राणों को नष्ट होने से, वो तेरे प्राणों को नष्ट होने से बचाता है। प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर अगर हमसे मोहब्बत नहीं करता मेरे प्रियो, तो कभी भी वो अपने बेटे यीशु मसीह को मेरे और आपके लिए भेजता? कभी नहीं भेजता। कहता मुझे क्या चिंता है, लेकिन परमेश्वर को चिंता थी, क्योंकि क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि जो सृष्टि उसने अपने हाथों से तैयार की है, अपने हाथों से तैयार की है और अपने जीवन का प्राण उसमें फूका है, चाहता है कि बर्बाद ना हो जाए, हालेलुया। और वो तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। जो करुणा हमारे ऊपर होती है, जो सुरक्षा हमारे ऊपर होती है, वो हर खौफ खतरों से, हर एक परेशानियों से, हर एक विरोधियों से मुझे और आपको बचाता है मेरे प्रियो। तो समझ लीजिए,
बचाता है वो मुझे और आपको। क्यों? ये उसकी करुणा है, ये उसकी दया है जो मेरे और आप पर करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वो तेरे सर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है, हालेलुया। वही तो तेरे लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। कौन है जो मेरी इच्छाओं को, जो मैं, मेरी भली इच्छा है जो परमेश्वर को भावती भी है, जो मैं परमेश्वर को सामने रख रहा हूं, परमेश्वर मेरी और आपकी इच्छाओं को पूरी कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे पर कि परमेश्वर मेरी और आपकी इच्छाओं को क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। क्या मैं और आप उसकी इच्छा को पूरी कर रहे हैं? क्या मैं और आपको उसको महिमा दे रहे हैं? क्या मैं और आप उसको वो आदर दे रहे हैं जो परमेश्वर को देना चाहिए? मेरे प्रियो, मैं और आप उसको वो आदर दे ही नहीं रहे जो आदर उसको देना है, जो सम्मान परमेश्वर को देना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वो कहता है पांचवें पद में, जिससे तेरी जवानी को आपके समान नहीं हो जाती है। प्रेज द लॉर्ड। अगर परमेश्वर की दया ना हो तो आप कितने भी क्रीम लगा लो, पाउडर लगा लो, कोई स्किन टेस्टिंग करा लो, स्किन को सही करा लो, कुछ नहीं हो सकता, बुढ़ापा तो झलक के रहेगा, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कहता है, परमेश्वर क्या करता है, वचन में बता, जिससे तेरी वो हमें उत्तम पदार्थों से, हमारी लालसाओं को उत्तम पदार्थों से पूरा करता है, तृप्त करता है, और जिससे तेरी जवानी उकाब के समान क्या हो जाती है, नहीं हो जाती। आज हम देख रहे हैं 60 साल का आदमी, 70 साल का आदमी बिल्कुल नौजवान लग रहा है, कैसे? पर जो परमेश्वर की संगति में चल रहा है, जो परमेश्वर की योजना में चल रहा है, जो परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर रहा है, मेरे प्रियो, उसकी ऊपर वो उकाब की नाई वो जवान करता है। क्या कभी आपने उकाब को देखा है? उकाब कैसा होता है? उकाब जब बूढ़ा हो जाता है तो वो पहाड़ों पर ऊपर चला जाता है, उसकी चोंच टूट जाती है, उसके नए पर आ जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और वह फिर से नया हो जाता है और वह फिर ऊंची उड़ान मोड़ता है। प्रेज द लॉर्ड। ये किसकी दया है? ये किसकी करुणा है? ये परमेश्वर की दया और करुणा है मेरे प्रियो। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर को हमेशा स्थान देना है, चाहे किसी भी हालात में, चाहे कैसे भी आप हो, लेकिन परमेश्वर को आपको उसको आदर देना है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजो, मैं बता रहा हूँ आपको कि हम अजमेर शहर में हैं और उसके बावजूद भी परमेश्वर ने हमें सुबह 8 बजे से हम वहाँ जाते हैं, 8 से लेके शाम को 5:30 बजे तक लगातार हम वहीं रहते हैं। हालेलुया। और वहाँ पर क्या हो रहा है? परमेश्वर की अगुवाई हो रही है, परमेश्वर के वचन को मनन किया जा रहा है। हालेलुया। हम प्रभु के वचन को सुनने के लिए आगरा से अजमेर पहुंचे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, जितना अधिक से अधिक हम समय परमेश्वर के साथ गुजार सके। अब देख रहे होंगे कि हम इसलिए थोड़ा सा हम लेट हो गए। प्रेज द लॉर्ड। यहोवा सब पिसे हुओं के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। हालेलुया। यहोवा सब पिसे हुओं के लिए, प्रेज द लॉर्ड, जो दुखी हैं, लाचार हैं, लोगों ने जिन्हें उन्हें दबा रखा है किसी तरीके से, लेकिन यहोवा परमेश्वर मेरे और आपके मन को जानता है, मेरे और आपकी इच्छा को जानता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जी हाँ रोनी सिस्टर, इतने घंटे हम लगातार बैठते हैं, उसके बाद हम आके जहाँ रुके हम वहाँ आते हैं, और उसके बाद हम 1-1.5 घंटे के बाद फिर हम घर से बाहर चले जाते हैं प्रभु के वचन को लेकर के। हालेलुया। परमेश्वर भरपूरी से मुझे और मेरी पत्नी दोनों को इस्तेमाल कर रहा है अजमेर शहर के अंदर। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये परमेश्वर की योजना थी। परमेश्वर, हम किसी घूमने के मकसद से नहीं आए, हम यहाँ पर परमेश्वर के दासों के द्वारा जो परमेश्वर का वचन बताया जा रहा है उसको सुनने के लिए यहाँ बैठे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे, बरकत दे। मेरे यहोवा परमेश्वर जो है मेरे और आपके लिए क्या करता है? मेरे और आपकी सुरक्षा देता है, मुझे और आपको बचाता है। मेरे प्रियो,
मेरे और आपकी मदद करता है, मेरे और आपकी सहायता करता है। अगर वो परमेश्वर ही मेरी तरफ ना हो तो क्या होगा मेरे पर? उसका चित्त मेरी ओर लगा रहता है। प्रेज द लॉर्ड। वचन कहता है जब तू गर्भ में पड़ा था, जब तू अपनी माँ के गर्भ में एक पदार्थ के रूप में था, उस वक्त से ही मेरा ध्यान तुझ पर है। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा है मेरा और आपका प्रभु परमेश्वर। वो जीवन देने आया और बहुतायत का जीवन देने आया ताकि मैं और आप जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्यार के लिए, आपकी दया, आपकी करुणा के लिए। खुदावन आपने संभाल के रखा, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु प्रार्थना करते हैं खुदावन, इस शहर में रह करके प्रभु आपने हमें ये अवसर दिया है कि प्रभु इतने घंटे तेरे साथ समय बिताए और उसके बाद प्रभु फिर तेरी सेवकाई के लिए हम निकल पड़े। प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं। सारी उत्तम आशीषों के लिए, सारे वरदानों के लिए आपको धन्यवाद। पिताजी के सम्मुख यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। जय मसीह की। कल शाम को 7 से 8 एक स्लॉट है सिस्टर शालिनी विल्सन, जो कि मुरादाबाद से हैं, प्रभु की दासी। कल शाम को प्रभु के वचन को 7 से 8 लेके आएंगे और रात को 10 से 10:30 फिर मिलेंगे प्रभु के वचन में। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जय मसीह।